गुनाह ने अंधेरे में अपनी आंख खोली तो हम उसे बंद कर देंगे। ऑटो आ रही है। उठाओ इसे। अरे अंदर डाल इसे। गो बॉयज, लेट्स गो 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 गो। पुलिस हमारा पीछा कर रही है भाई। ऑटो रोक। अरे रोक ना ऑटो तेरी तो। कोई भी आगे बताना नहीं तो सगला कर दूंगा। कोई भी आगे बताना नहीं तो मार दूंगा। ऐसे वापस जाओ, जाओ वापस, नहीं तो सगला कर दूंगा। गन नीचे रखो, नीचे रखो, नीचे रखो। वापस जाओ। मूर्ति जी देवी को हॉस्पिटल ले जाइए। भागो भागो चलो चलो। अरे जल्दी उस तरफ जा। अरे चल भाग जल्दी। अरे निकलो जल्दी। चल चल। अरे देख अरे भाग चल 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 इस तरफ चल। आज तो मैं आपसे दिया मैंने उनको। एक्सपेरिमेंट्स के बाद जीरो बायोटिक कंपनी ने एक पिल डिस्कवर कर ली है जो कार्डियक पेशेंट्स को बिना स्टेंट्स के ठीक कर सकती है। जीरो बायोटिक्स ऑफिशियल्स ने ये अनाउंस किया है कि ये पिल बहुत जल्दी मार्केट में अवेलेबल होगी। सर रुकिए, कौन सा फ्लोर? सेकंड फ्लोर। अटेंडेंट पास? पास शायद ऊपर रूम में रह गया होगा। आपका रूम नंबर कौन सा है? 202। पेशेंट का नाम सर? अपर्णा और लकी। हेलो। रूम नंबर 202 के पेशेंट अपर्णा और लकी के अटेंडेंट यहाँ पे आए हैं। वो रूम में ही अपना पास भूल गए हैं। उन्हें अंदर भेज दूं क्या मैडम? एक मिनट। तो 202 में तो रमेश नाम का पेशेंट है। उस रूम में ऐसा कोई पेशेंट नहीं है सर। नहीं है मतलब? कहाँ ले गए उन्हें? कल रात को उन्हें इमरजेंसी रूम में ट्रीटमेंट के बाद 202 में शिफ्ट किया गया था। क्या बोल रहे हैं आप? मुझे रूम में नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए लॉबी में सोने चला आया। मैंने कहा ना वो वहाँ नहीं है, शायद दूसरे ब्लॉक में होंगे। रिसेप्शन में पूछ लीजिए ना आप। प्लीज जाइए सर। 10 दिनों से हमारा बेटा आईसीयू में एडमिट है। आप उसे हमें देखने भी नहीं दे रहे हैं, बस बिल भरा रहे हैं। वो ठीक है या उसे कुछ हुआ है? इस हॉस्पिटल में आखिर चल क्या रहा है? मैडम आपकी बेटे की तबीयत बिल्कुल ठीक है, वो आईसीयू में बिल्कुल सेफ है। मैडम आप 2 दिनों का बिल 25,000 रूपए लगा रही है, आपको समझ में आ रहा है आप क्या बोल रही है? ये बिल बहुत ज्यादा है मैडम। सारे टेस्ट चेकअप और बेड चार्जेस को मिलाकर इतना ही होता है सर। दूसरे हॉस्पिटल में 2,000 रूपए लगते हैं, ये बकवास हॉस्पिटल है। चलो बोलिए सर। कल रात 10:30 बजे मैंने मेरी वाइफ और बेटी को हॉस्पिटल में एडमिट किया था। ट्रीटमेंट के बाद उन्हें इस ब्लॉक के रूम नंबर 202 में शिफ्ट किया, पर वो लोग बोल रहे हैं कि अभी वो लोग वहाँ नहीं है। पेशेंट्स के नाम बताइए सर। अपर्णा और लकी। सर इस नाम से तो कोई भी एडमिट नहीं हुआ है। लकी तुम ठीक हो जाओगी, हम हॉस्पिटल में आ गए। अपर्णा तुम फिक्र मत करो, लकी ठीक हो जाएगी। हम हॉस्पिटल में आ गए। सर रुकिए सर, वो बच्चे को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करके वहाँ ट्रीटमेंट देंगे, तब तक आप एडमिशन फॉर्म भर दीजिए सर। कल रात आपने मुझसे एडमिशन फॉर्म भरवा के मेरा साइन भी लिया था ना? सर कल रात मेरी नाइट शिफ्ट थी ही नहीं, मैं तो आज सुबह 6 बजे आई हूँ। क्यों झूठ बोल रही है आप मुझसे? कल रात आप ही थी यहाँ पे, मैंने फॉर्म भर के आप ही को दिया था। 1 मिनट सर, अगर आपने उन्हें यहाँ एडमिट किया था तो एडमिशन फॉर्म तो होना चाहिए ना, पर यहाँ पर नहीं है। आप ही देखिए। वो यहाँ क्यों नहीं है? क्यों नहीं है यहाँ? कुछ तो चल रहा है यहाँ, कोई तो गड़बड़ है। इमरजेंसी रूम में शिफ्ट करने के बाद ही डॉक्टर बच्ची का ट्रीटमेंट करेंगे। डॉक्टर। यस डॉक्टर, कल रात आप ही थे ना, मेरी बीवी और बेटी का ट्रीटमेंट किया था। ये लोग कह रहे हैं कि वो लोग यहाँ है ही नहीं। मैंने उनका ट्रीटमेंट किया, लेकिन कब? कल रात को सर। लेकिन मैं तो अभी मुंबई से आया हूँ। So tell me what is the problem? Problem है, आप ही लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, मैं नहीं। कल रात मैंने अपनी फैमिली को यहाँ एडमिट किया और आप कह रहे हैं वो यहाँ नहीं है। कहाँ है वो? कहाँ है मेरी बीवी और बेटी? सिक्योरिटी सर, बताओ मेरी बीवी और बच्ची के साथ क्या किया? ये क्या कर रहे हो? प्लीज मुझे छोड़ दो, बताओ प्लीज। पीछे हटो, कोई पास नहीं आएगा। पीछे हटो। देख क्या रहे हैं? स्ट्रेचर जल्दी आओ, जल्दी। मैडम रुकिए, हमें नहीं पता ये कौन है, कब से यहाँ आकर तमाशा कर रहा है। पहले पुलिस कंप्लेंट करते हैं। जब किसी की जान जा रही हो तब आप रूल्स की बात कैसे कर सकते हैं? जो आएगा मैं उससे बात करूंगी। आई एम रिस्पॉन्सिबल। मेक इट फास्ट, क्विक। सीटी स्कैन रूम में ले जाओ इसे, फास्ट, जल्दी करो। उसे वहाँ पर उस तरफ। अरे यहाँ नहीं, वहाँ रखना यार। कब से बोल रहा हूँ, सेटल कर दो। हाँ सर हो गया, जल्दी करो। हाँ जल्दी हाथ चलाओ ना। अच्छे से पैक करना, क्या कर रहा है? कितना वक्त लगेगा? सारी गाड़ियाँ तैयार है भाई, 1 घंटे में तैयार हो जाएगा, परेशान मत हो। वो कहाँ है? खाना लेने गया तब तक आया नहीं। फोन करो। ठीक है भाई, ठीक है सर, किनारे कर दे। भाई फोन करने के लिए बोला था, कहाँ जा रहे हो? यहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहा है, सिग्नल के लिए हमें अखरोट के पेड़ के पास जाना पड़ता है। हाँ ठीक है जाओ। भाई भाई किसी ने उसे बहुत मारा है भाई। वो जो भी है हमारे जंगल में मरने आया है। लाइट बंद करो। चाकू निकालो। अगर कोई नया आदमी दिखे तो उसे मार डालो। लाइट बंद चालू करके हमें मार रहा है। जल्दी सारी लाइट चालू करो। पुलिस वाले को जान से मार डालो। मुझे समझ नहीं, मैं तो सिर्फ मारने के लिए बोलता हूँ, तो इसके लिए आप मुझे क्यों मारोगे? अरेस्ट कर लो। हाँ? क्या नाम है तुम्हारा? नागेंद्र सर। और तुम्हारा? राघव सर। और तुम? सुबैया सर। तुम्हारी उम्र क्या है? 35 साल। बाप का नाम? लिंगायार सर। तुम्हारा नाम? मूर्ति सर। क्या बोला? मूर्ति सर। नरसिम्हा रेड्डी पटेल सर, ये यहाँ के जमींदार है सर। उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? उनसे बोलो कल स्टेशन में आके मिलें। ये मेरे आदमी है, जीने के लिए इन्हें पैसा चाहिए, इसीलिए ये बेचारे गरीब लोग जंगल की चीजें बेचते हैं। ये एक डार्क बिजनेस है, डार्क में ही रहने दो, नहीं तो मुझे तुम्हारी जिंदगी डार्क करनी पड़ेगी। तुझे डार्क में मारा है, डार्क में ही भूल जा। अगर 1 मिनट भी यहां रुका ना तो तेरे कपड़े उतार के तुझे भी नंगा बैठा दूंगा। तुम्हारे पास ये वर्दी है इसीलिए उछल रहे हो ना। आज तुम्हारा दिन है, कल मेरा दिन भी आएगा। उस दिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूं। अगर आज मेरा दिन ना भी होता तो भी मैं ऐसा ही होता, समझ गया ना? ए, चल रे। मुझे फॉलो कर रहे हो क्या? फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो? अगर दोबारा मुझे फॉलो किया ना तो पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। यूनिफॉर्म पहन लो फिर कंप्लेंट करना। तुम पुलिस वाले हो? एसआई ट्रेनिंग में हो। ओहो, ट्रेनी पुलिस। हाँ, तो फिर तुम ट्रेनिंग ग्राउंड के बदले यहाँ मार्च पास क्यों कर रहे हो? तुम्हारे साथ जिंदगी भर चलने के लिए। हमेशा साथ दोगे मेरी आखिरी सांस तक। जवाब दिए बिना कहां जा रही हो मेरी जान? सुनो तो। मिस्टर पुलिसमैन, तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? हाँ क्या? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अगर मेरे पेरेंट्स को पता चला कि उनके पीठ पीछे मैं तुम्हारे साथ उनके गांव आई और घर भी नहीं गई तो मेरी शादी करा देंगे। मेरे साथ ना अच्छा ही होगा। क्या अच्छा होगा? अब से मैं वारंगल नहीं आऊंगी। एवरी वीकेंड तुम हैदराबाद आओगे मुझसे मिलने के लिए, ठीक है ना? ठीक है, आपका हुक्म सर। या ये उन्हें भिजवा दो। ओके सर। हेलो, जरा बताओ तो मैं कहूँ। ए, तुम वारंगल आई हो ना? मैं जानता था मेरे लिए जरूर आओगी। आपके लिए नहीं आई मेरे मिस्टर पुलिसमैन। परकाला जा रही हूँ। परकाला? आज मेरी एक कजन के यहाँ एक फंक्शन है, उसके लिए जा रही हूँ। तो जब लौटोगी तब मिलोगी ना? ठीक है ठीक है, मिल सकते हैं। अच्छा सुनो, अभी मैं कार में हूँ, ठीक है? तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है ना? पुलिसमैन बाय। हे अन्विता। कमाल है आंटी, हाफ सारी फंक्शन के लिए भी आपने इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन रखा है। आप सच में ग्रेट हो आंटी। क्या मतलब है इसका हाफ साड़ी फंक्शन है? ये तुम्हारी शादी का फंक्शन है बेटा। मेरी शादी का फंक्शन? हाँ बेटी, तुम्हारी शादी है कल शाम को। ये क्या है पापा, आपने बताया भी नहीं। तुम क्या सब कुछ मुझे बताकर करती हो? मेरी पढ़ाई? हैदराबाद पढ़ने के लिए भेजा था और तुम वारंगल में बुलेट बाइक पर पढ़ाई करने में मग्न थी। शादी के बाद अमेरिका जाना और वहां अपने पति के साथ कार में पढ़ाई करना। पापा, शिव और मैं 3 सालों से एक दूसरे से प्यार करती। उससे प्यार करती थी? हाँ, वो सब भूल जाओ। वो पुलिस वाला तुम्हारे लिए सही नहीं है। जब तक उस पुलिस वाले के पास वर्दी है वो बड़े लोगों के साथ पंगा लेगा, लेकिन क्या वो लोग चुप रहेंगे? वो लोग सही वक्त का इंतजार करेंगे, फिर उससे पब्लिक में बेइज्जत करेंगे। शायद वो लोग उसे मारने की भी कोशिश करेंगे। मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। पापा ऐसा नहीं है। अगर चिल्लाओगे तो तुम्हारा गला दुखेगा। हाँ, मेहंदी लगाने वाली आई है, जाओ जाकर मेहंदी लगाओ। सुनो, वो चूड़ी वाला आ गया? हाँ, यहीं पर है। सुनिए ना। अरे चुप रहो, चाहती क्या हो? मैं भी चूड़ी पहन लूं? हाँ, अपनी बेटी को अंदर लेकर जाओ, जाओ। चलो चलो बेटा, चलो बेटा, जिद नहीं करते। बुआ, बुआ, प्लीज बुआ। अपर्णा, मेरी बात मान जाओ बेटा। अपर्णा, अपर्णा, मेरी बात तो सुनो बेटा। मुझे मिस कर रही हो ना? तुम कहो तो फंक्शन में आ जाओ। शिवा! रात है, मस्तानी। ए शिवा, कहाँ जा रहे हो तुम? एक जरूरी काम है। मुझे पता है। अरे तुम अंदर चलो, बताता हूँ ना, मेरी बात तो सुनो। अरे जस्ट वेट, अरे इधर हमेशा जरा अंदर आओ ना। अरे रुको तो, मैं बताता हूँ। सर क्या कर रहे हैं? अरे बताता हूँ ना, रुको। लॉक क्यों किया? सर पटेल साहब ने तुम्हारा फोटो मांगा था, शायद कल उनकी बेटी की शादी है। सर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप सर। कल जब तक उसकी शादी हो जाती है तब तक तुम और मैं दोनों यहाँ रहेंगे। शादी होने के बाद मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। पॉजिटिव सोचो ना। उस पुलिस वाले को फोन किया था तुमने, सोच रही होगी वो आएगा और तुम्हें लेकर जाएगा। ये फोटो तो देख लो। अगर तुम अपनी अच्छी जिंदगी चाहती हो और उसे जिंदा देखना चाहती हो तो जैसा मैं कह रहा हूं करो। क्या शिवा, तुम मुझे गाली दे रहे हो ना? पक्का तुम गाली दे रहे हो मुझे। कोई बात नहीं, देते रहो, उसके बाद मैं सारी गालियों को बीप कर दूंगा। शिवा, पता है हमारे पुलिस स्टेशन की खास बात क्या है? सारे क्रिमिनल्स यहीं रहते हैं और हम भी यहीं रहते हैं। अब देखो ना, क्या मैं क्रिमिनल की तरह नहीं दिख रहा तुम्हें? फिर भी मैं इसे पॉजिटिवली ले रहा हूँ। बी पॉजिटिव शिवा, ओके? मैंने सुना गुस्सा शांत करने के लिए तुम सिगरेट पीते हो, तो ये लो ना, पी लो, तुम्हारा ही ब्रांड है। पॉजिटिव लो ना इसे। इतनी टेंशन में भी पटेल साहब ने बेटी की शादी सही मुहूर्त पे करवा दी। तुम्हारी लवर की शादी होगी। देखो 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 देखो। आओ, थैंक्स यार। पिछले 24 घंटे से मैं ये सोच के परेशान था कि तुम अंदर सीन क्रिएट करोगे और तुम्हें कंट्रोल करने में मुझे परेशानी होगी, पर तुमने चुप रह के मुझे अच्छा सपोर्ट किया। ये भी पॉजिटिवली लीजिए सर। मैंने उस दिन भी कहा था, जब मेरा दिन ना भी हो तब भी मैं ऐसा ही रहूंगा। अच्छा ब्रांड, मन करे तो फूंक लेना। मैंने इससे वादा किया था, शादी के बाद छोड़ दूंगा। हेलो, मानसा हॉस्पिटल से चीफ डॉक्टर सुनीता बोल रही हूँ। क्या आप एसआई सर से मेरी बात करवा सकते हैं? लाइन पर रहिए मैडम। सर, कल रात से मेरे पापा लापता है सर। हम शिरडी जा रहे थे, रास्ते में पैसे निकालने के लिए वो एटीएम गए, उसके बाद से वो लापता है। 11 बज गए पर वो आए नहीं। मैडम, आप बाद में कॉल कीजिए, सर एक अर्जेंट केस में बिजी हैं। ये सबसे ज्यादा अर्जेंट है, मैं वेट करती हूँ, आप मेरी बाद में बात करवाइए। ओके मैडम। मैंने एरिया के सारे एटीएम चेक कर लिए पर वो कहीं नहीं मिले सर, पता नहीं कहाँ चले गए। ये सर। रेड्डी सर, एफआईआर दर्ज कर लो। आप शांत रहिए। ओके सर, हम आपके पापा को ढूंढकर जरूर लाएंगे। जी सर। ये फोटो सारे स्टेशन में फैक्स कर दो। जी सर। आप अपनी डिटेल्स देकर एफआईआर रजिस्टर कर दो। ओके चाहिए। थैंक यू सर। आप आइए सर। मानसा हॉस्पिटल की डॉक्टर लाइन पर हैं सर। हेलो एसआई सर। डिमेंशिया मतलब? डिमेंशिया मतलब कुछ ऐसा फील करना जो था ही नहीं। उसके सिर पर भारी चोट लगने से उसकी नर्व्स में ब्लड क्लॉट बन गई। प्रॉपर ब्लड पंपिंग ना होने की वजह से उसकी नाक और कान से खून आने लगा और वो बेहोश होकर गिर गया। अब इनके केस में इनके सर पर बहुत जोर से चोट लगी है, इसलिए ये डिमेंशिया में चले गए। और इमेजिन कर रहे हैं कि इन्होंने अपनी बीवी और बेटी को यहाँ एडमिट किया था, पर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उनकी कंडीशन सीरियस है क्या? यस, सीरियस है, पर इनकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है। लेजर ट्रीटमेंट दी जा रही है, अगले 4 सेशन में कॉग्निटिव थेरेपी देनी होगी, पर पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद वो डिमेंशिया से बाहर आ जाएंगे। कहाँ है मेरी बेटी और नातिन? कहाँ है? आप कौन है? अपर्णा का पापा। मेरी बेटी और नातिन किस रूम में है? जब मैं घर पहुंचा तो आपके कांस्टेबल ने बताया हॉस्पिटल में है। उन्हें क्या हुआ? सर का एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, एक्सीडेंट? तो फिर मेरी बेटी और नातिन कहाँ है? सर हॉस्पिटल तो अकेले आए थे, वो लोग यहाँ नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? कल रात मेरी बेटी ने मुझे फोन करके बताया था कि वो उसके साथ वारंगल जा रही है। अगर शिवा का एक्सीडेंट हुआ है तो उस वक्त वो दोनों भी उसके साथ ही होंगे। कहाँ है वो दोनों? सर फैमिली के साथ वारंगल जा रहे थे। हाँ बिल्कुल, उसी की वजह से मेरी बेटी मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गई। कुछ दिनों के बाद मेरी बेटी ने रोते हुए मुझे फोन करके बताया कि वो उसके साथ नहीं रह सकती, हमारे पास आना चाहती है। मैंने उससे कहा मैं उसे लेने आऊंगा, उसने मना कर दिया और कहा कि वो बच्ची के साथ मेरे पास आएगी। इसका मतलब है कि जरूर उसने ही उनके साथ कुछ किया होगा। सर अपनी फैमिली के साथ कितने खुश थे ये मैं अच्छे से जानता हूँ। जब वो वहां पर अनकॉन्शियस पड़े हैं, तो आप ये क्या बोल रहे हो? अनकॉन्शियस? वो नाटक कर रहा है, उससे मार मार के उठाओ। सर प्लीज, आप एक सिंसियर ऑफिसर के बारे में बहुत कुछ बोल रहे हो, प्लीज चुप हो जाइए। तुम सब एक जैसे ही हो। अगर मेरी बेटी और नातिन के साथ कुछ हुआ तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं इस केस को बहुत दूर तक लेकर जाऊंगा। आप चाहे जहां भी जाओ, लेकिन सारी बातों की इन्वेस्टिगेशन जो करती है वो पुलिस है, सो हमें इन्वेस्टिगेट करने दीजिए। तुम कुछ भी बोलो, मैं जानता हूं उसके साथ क्या करना है। क्या? अब तक तो नहीं, एज यूजुअल। आपने उन्हें फोन किया? 2 बार किया था, उठाया ही नहीं। एज यूजुअल राइट, आपको सही इंसान को कॉल करना होगा। हाय लकी, तुम स्कूल से आ गई क्या? आप टॉपिक मत चेंज करो अंकल, जाओ और जाकर हमारे पुलिस को फोन दो। कोर्ट में जो भी सबूत पेश करने हैं वो सब रेडी कर लो। डन सर। आपके पुलिस थोड़े से बिजी हैं बेटा। उन्होंने ये बोलने को कहा है कि वो सच में बिजी है। वो सच में बिजी है बेटा। तो फोन को स्पीकर में रख के पुलिस को दे दो। उसे कोर्ट में टाइम पे प्रेजेंट करना है, ओके? जी सर। सर हाँ, लकी का फोन है। पुलिस जी जल्दी घर आ जाइए और आते समय हमारे लिए आइसक्रीम लेकर आइए। मैडम को आइसक्रीम चाहिए? ठीक है, तुम होमवर्क कर लो, मैं लेके आता हूँ। ठीक है पुलिस जी, जल्दी आ जाइए। सॉरी अपर्णा, थोड़ा लेट हो गया। ये लकी के लिए आइसक्रीम। वो तो कब की सो गई। उसने कुछ खाया नहीं? थोड़ा सा खाई और सो गई। और तुमने? नहीं। मेरे लिए रुका मत करो, वक्त पे खाया करो अपर्णा। कम से कम हमारे साथ तुम खाना खाने का टाइम तो निकाल लो। क्यूकम्बर दाल बहुत अच्छी बनी, खाना बनाने में तुम नंबर 1 हो। वो मैंगो दाल है। लकी ने तुम्हें आइसक्रीम लाने के लिए कहा था, मुझे नहीं। पुलिसमैन तुम मक्खन लगाना अच्छे से सीख गए हो। मैं सच में दिल से कह रहा हूँ अपर्णा, तुम जो भी बनाती हो ना बहुत अच्छा बनता है, तुम्हारी कसम। थोड़ा और लो। तुम खाओ। तुम खाओ ना। बेटी गायब है सर। नमस्ते सर। बालाजी बस्ती सर। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। क्या बात है, मिसिंग कैसा सर? कब से लापता है वो? कल शाम से सर। वो आदर्श विद्यालय में 10वीं में पढ़ती है सर। नाम क्या है? वर्षा सर। वो स्कूल से रोज घर आती थी सर, फिर उसके बाद 7 से 9 ट्यूशन जाती थी सर, लेकिन कल रात वो 10 बजे तक घर नहीं आई। मैंने ट्यूशन सर को फोन करके पूछा तो उन्होंने बताया वो 9 बजे ही निकल गई। उसका पता लगाइए सर। स्कैन करके सारे स्टेशन में भेज दीजिए सर। आपकी बेटी जहां भी होगी उसे ढूंढकर आपके पास ले आएंगे। बच्चे यहां से निकल के घर ठीक से पहुंचे या नहीं, ये पता करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? सॉरी सर। कब से पढ़ा रहे हो बच्ची को? 6th स्टैंडर्ड से पढ़ा रहा हूं सर। उसका कोई बॉयफ्रेंड भी था क्या? ऐसा कुछ नहीं है सर। वो एक बहुत अच्छी लड़की है, वो हमेशा पढ़ाई में ही ध्यान देती है और मैंने उसे कभी भी कोई चीज करते हुए नहीं देखा सर। इसका कॉल डेटा कलेक्ट करो। ठीक है सर। हाँ, नंबर बोलो। 984900। लेक में एक लड़की सुसाइड करने वाली थी, हमारी रेस्क्यू टीम ने उसे बचा लिया है और उसे यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है सर। Now she's out of danger sir. हमने उसे अच्छे से उल्टी कराई है, वीक है इसलिए हमने सलाइन लगाया है। क्या मैं बात कर सकता हूँ? हाँ सर। तुम कौन हो बेटा? जान देने की कोशिश क्यों की? मुझे भूख लगी है भैया, 4 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, मुझे कुछ खाने के लिए दो। मेरा नाम दिव्या है भैया। मैं जेट चरला से हूँ। मैं गवर्नमेंट गुरुकुल स्कूल में पढ़ती हूँ, इसीलिए हॉस्टल में रहती हूँ। हमारे हॉस्टल और मेस के बीच एक गेट है। एक वक्त पर सिर्फ एक ही इंसान उस गेट से जा सकता है। चार गुंडे वहाँ बैठकर बीड़ी पी रहे थे। और वो हम सबको गलत तरीके से छू रहे थे भैया। मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं बिना कुछ खाए ही अपने कमरे में चली गई। वो हमारी वार्डन के साथ मिलकर रोज हमें परेशान करते हैं भैया। मेरी तरह बहुत सी लड़कियां घबराई हुई हैं भैया। मैं मम्मी पापा को ये बताना चाहती थी, पर फिर वो मुझे घर ले जाएंगी और मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, इसलिए मैं लेक में कूद गई। नशे से किक नहीं मिलती तो यहाँ आके लड़कियों को छेड़ोगे? तुम लोगों को किक चाहिए ना? ऐसी किक दूंगा कि याद रखोगे। बानो, खुजली वाली जेल तैयार है सर। बहुत मजा आ रहा था ना? अब मिल गई केक, मिली या नहीं? जोर से बोलो, केक मिली या नहीं? कमी नहीं कहीं के। बहुत जल्द है सर। सर। माँ बाप तुम्हारे भरोसे बच्चियों को यहाँ भेजते हैं, ऐसा ख्याल रखोगे? भाई मानती है, भाई मानती है तुम्हें वो, भाई मानती है। सर नहीं सर, प्लीज सर, प्लीज। गनी, मणिपाल, गंजा और गंगाधर नाम के 4 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो लोग गवर्नमेंट गुरुकुल स्कूल में गांजा पी के लड़कियों को अब्यूज करते थे। कोर्ट ने उन्हें और स्कूल के वार्डन को 14 दिनों तक पुलिस रिमांड में रखने का फैसला दिया है। पुलिस ने उम्मीद की है कि पूछताछ के बाद और भी नाम सामने आ सकते हैं। हाय सर, हाउ इज योर वेकेशन गोइंग? एवरीथिंग इज फाइन विक्टर, टेल मी। कुछ नहीं सर, कमिश्नर सर की तरफ से इंपॉर्टेंट मैसेज आया है। दरअसल परसों उनके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर सारे सीआई और एसआई की कमिश्नर सर के साथ मीटिंग है। हमें इंस्ट्रक्शन मिली है कि अटेंड करना ही होगा। आप आएंगे ना? ओके मैं निकलता हूँ। ओके सर। हाँ? अपर्णा, हमें हैदराबाद जाना होगा। परसों तुम्हारा बर्थडे है ना, और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ आए हैं। और तुम्हें 10 दिनों की लीव भी तो मिली थी, वो तुम्हें लीव कैंसिल करने के लिए बोल रहे हैं, तो मना भी तो कर सकते हो। पुलिस और मिलिट्री वालों की छुट्टी इमरजेंसी के हिसाब से तय होती है अपर्णा। सिर्फ ड्यूटी ही तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, फैमिली नहीं है। इस बार समझने की कोशिश करो प्लीज, हमें जाना होगा। पिछले 5 सालों से मैं समझ ही तो रही हूँ, इस बार तुम्हें हमें समझना होगा। अपर्णा प्लीज। अच्छा बेटा, मम्मी अभी भी गुस्से में है ना? पर वो गुस्से में क्यों है? तुम भी बिल्कुल अपनी माँ पे गई हो। देखो आज शाम 5:30 बजे तक घर पर आ जाना। हाँ मेरी माँ। 1 मिनट। अरे रुको लकी। मम्मी सुनो, आज पुलिस का बर्थडे है ना, चलो उन्हें सरप्राइज देते हैं हम दोनों, ठीक है? ये लो। चलो पहले शूज पहनाओ। दोनों के बीच क्या सीक्रेट्स है, मुझे नहीं बताओगी? हम दोनों गर्ल्स है ना, तो हम दोनों अपना सीक्रेट क्यों बताएं? सुनो, शाम को 5:30 तक घर पर आ जाना, नहीं तो मैं आ जाऊंगा बेटा। शाम को 5:30 घर पे मिलते हैं। ओके ओके, बाय पुलिस। बाय बाय पुलिस। अपर्णा तुम नाराज हो क्योंकि हमें ट्रिप आधे से छोड़ के आना पड़ा। इस बार ट्रिप तुम प्लान करना, मैं फोन भी नहीं ले जाऊंगा। नो डिस्टर्बेंस। वहाँ से भी तुम अपनी ड्यूटी के लिए हमें वापस ले आओगे है ना? अपर्णा प्लीज, 5:30 बजे आ जाऊंगा। बाय। सीसीटीवी कैमराज लगाने के बाद भी क्राइम्स हो रहे हैं। जिन लोगों ने सीसीटीवी कैमराज नहीं लगाए हैं उन्हें स्टर्न वार्निंग दो। अगर आवाज निकाली तो ये तेरे गर्दन में घुसेड़ दूंगा, समझ गई? तुम्हारे पति को क्या फर्क पड़ता है हम किसी को भी परेशान करें? उसकी हिम्मत कैसे हुई हमें 14 दिन जेल में भेजने की? बोल, उससे बदला लेकर रहूंगा। अगले महीने के 1st वीक में पीएम हमारी सिटी में 2 दिन के लिए आ रहे हैं। देख देख वरना मैं तुझे मार डालूंगा। अपनी आंखें खोल। आंख खोल वरना घुसेड़ दूंगा अंदर। अगर उसने दोबारा हमारे साथ ऐसा किया तो उसका अंजाम तुम्हें झेलना पड़ेगा। बोल देना अपने पति को। मैडम बच्ची आ गई है, मैं चलती हूँ। वाह बलून्स, मम्मा आपने बलून से डेकोरेट किया है। आज भी पुलिस टाइम पर घर पर नहीं आए ना मम्मा, एज यूजुअल। मैंने बार बार पुलिस को कहा था कि 5:30 बजे तक घर पर आ जाना। ठीक है, मैं जाकर ड्रेस चेंज कर लेती हूँ। सॉरी अपर्णा, कमिश्नर के साथ मीटिंग थी इसलिए देर हो गई। 5 मिनट में तैयार हो जाता हूँ, तुम लकी को उठा लेना। ओके, आता हूँ। अपर्णा तुम अभी भी ऐसे ही बैठी हो? लकी उठो बेटा, केक काटना है। अपर्णा तुमने केक कहाँ रखा? फ्रिज में रख दिया? अपर्णा केक काट लेते हैं, फिर डिनर के लिए बाहर चलेंगे। उठो अपर्णा। आई एम सॉरी अपर्णा, उठ जाओ। कितनी बार मैंने तुम्हें कॉल किया? मैं मीटिंग में था ना, इसीलिए फोन नहीं उठा पाया। अगर बार बार फोन कर रही हो तो समझ में नहीं आता कि कुछ जरूरी होगा। पूरे देश में तुम अकेले ही पुलिस वाले हो। तुम्हारे लोग तुम्हारे परिवार के बारे में सोचने के लिए क्या तुम्हारे पास जरा भी वक्त नहीं? अपर्णा तुम रो क्यों रही हो? हुआ क्या है? सब खत्म हो गया उसके बाद आकर पूछ रहे हो क्या हुआ। आज तक कोई लड़की ऐसी शर्मिंदगी से नहीं गुजरी होगी जो मैंने सहा है। हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुस के मेरी बीवी पे हाथ डाला, मेरे परिवार को छूने की हिम्मत की? कहाँ जा रहे हो तुम शिवा? 1 घंटा, बस 1 घंटा रुक जा। मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे की उन्होंने? शिवा लाइट बंद कर रहे? क्या रे, तेरी बीवी के साथ जो किया वो कम था क्या? तो क्या अब तू भी देखना चाहता है? आजा आजा आजा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आके मेरी बीवी पे हाथ डाला? अरे भागो भागो, निकलो यहाँ से। अरे चलो चलो चलो, चलो। तेरी हिम्मत कैसे डालेगी? हमें जेल में डालेगा। छोड़ना मत, और मारो। बच के जाने ना पाए। मम्मा पुलिस। अपर्णा, लकी के साथ कहाँ जा रही हो? अपने पापा के पास जा रही हूँ। क्यों जा रही हो वहाँ? मार दिया मैंने उन चारों को, गोली मार दी, मर गए हैं वो। तो अब उसी गन से हम दोनों को भी मार दो। उसके बाद तुमसे कभी कोई सवाल पूछने वाला नहीं होगा ना, वेट करेगा। अपर्णा, ऐसे क्यों कह रही हो? चलो वापस घर चलते हैं। उस दिन पापा के सामने मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, मुझे लगा जिंदगी भर मेरा साथ दोगे तुम, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसे रोड पर लाकर खड़ा कर दोगे। तुम्हारी वजह से मैं अपने पापा के सामने शर्मिंदा हुई। जब मैंने उन्हें 5 साल बाद कॉल किया तो परेशान हो गए, कहा कि मैं तुम्हें और लकी को लेने आ रहा हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं अकेले ही आ जाऊंगी, लेकिन पिछले 1 घंटे में 4 बार फोन कर चुके हैं, ये देखने के लिए कि मैं ठीक हूँ या नहीं। इसे कहते हैं प्यार। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे और मेरी बेटी को अब अकेला छोड़ दो। इतनी रात को कैसे जाओगी? मैं टैक्सी या बस से चली जाऊंगी। अगर कुछ नहीं मिला तो मैं चल के चली जाऊंगी, पर तुम्हारे साथ मैं नहीं रहूंगी। क्या हो पुलिस? मम्मी ने कहा कि कल से आप हमारे साथ नहीं रहोगे। पापा वहां नहीं रहेंगे जहां तुम नहीं हो बेटा। अपर्णा, कम से कम लकी के लिए मेरी बात मान लो। मैं तुम्हें वारंगल ड्रॉप कर देता हूं। मम्मा फोन आ रहा है, ये लो। फोन दो। हेलो पापा, हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। अपर्णा, लकी को संभालो, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। नहीं नहीं लकी, तुम रोना मत, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हम हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, रो मत बेटा, बस बस 5 मिनट और, पहुंच जाएंगे। जल्दी जल्दी करो। तुम घबराओ मत लकी, कुछ नहीं होगा तुम्हें, बस बस हॉस्पिटल आ गया। देखो देखो आ गया, हॉस्पिटल आ गया। उनके सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से वो डेमेंशिया इफेक्ट में है, और जो चीज़ है ही नहीं उसे वो इमेजिन करते हैं। जबकि वो अपनी बीवी और बच्ची को हॉस्पिटल लेकर नहीं आए हैं, फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो उनको लेकर आए हैं। उस रोड में अभी तक पब्लिक एक्सेस नहीं है, उनकी बीवी और बच्ची उसी जगह से मिसिंग है, राइट? यस सर। तुम्हें लगता है कि जो एनकाउंटर हुआ और बस स्टॉप में जो झगड़ा हुआ उन दोनों के बीच कोई कनेक्शन है सर? लुक हियर, यह है गजेंद्र अलियास गानी, उन चार लोगों में से एक आदमी। यह गंजा साई, महिपाल और गंगाधर। हॉस्टल गर्ल्स अब्यूजिंग केस में शिवा सर ने इन्हें बहुत दिन पहले अरेस्ट किया था। 14 डेज रिमांड पर रहने के बाद बेल से ये लोग बाहर आ गए थे और वहां से निकलने के बाद शिवा सर के घर जाकर उनकी बीवी को अब्यूज किया होगा। शिवा सर के घर जाने के बाद उन्हें उनकी बीवी से सब पता चल गया होगा और वो गन लेकर बुलेट से उन्हें पकड़ने गए। एग्जैक्टली 10 मिनट के बाद मैडम अपनी बेटी को लेकर बाहर आ गई। शिवा सर ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर यूज करके उन चारों को वहीं पर मार दिया। फिर शिवा सर अपनी फैमिली के साथ कार में बैठकर वारंगल के लिए निकल गए। हमने उस दिन पूरी 3 डेड बॉडीज रिकवर की थी सर, पर वो चौथा आदमी गनी शिवा सर के एनकाउंटर से बच गया। सर उस गनी ने जरूर शिवा सर को एक्सीडेंट स्पॉट तक फॉलो किया होगा और जब सर अनकॉन्शियस थे तभी उसने उनकी बीवी और बेटी को किडनैप कर लिया। मैडम और उनकी बेटी जरूर उसके साथ ही होगी। अगर हम उसे ढूंढेंगे तो वो दोनों हमें मिल जाएंगी सर। शिवा, आपका इलाज चल रहा है मिस्टर शिवा, आप ऐसा नहीं कर सकते। चलिए आप बेड पर लेट जाइए प्लीज। तो ठीक है ना, उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? कहाँ है वो दोनों? मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। प्लीज शांत हो जाइए प्लीज, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, वो मिल जाएंगे प्लीज। पुलिस ढूंढ रही है? क्या हुआ है उन्हें? जिस दिन आपका एक्सीडेंट हुआ था वो तभी से गायब है, बट प्लीज ट्रस्ट मी, वो लोग जल्दी ही आपसे मिलेंगे। वो दोनों गायब है? मेरे एक्सीडेंट को कितने दिन हो गए? पूरे 8 दिन हो गए हैं। आपकी बहुत बड़ी सर्जरी हुई है, आपको अभी होश आया है, आप ऐसे टेंशन नहीं ले सकते। पिछले 8 दिन से लकी और अपर्णा गायब है। प्लीज मेरी बात सुनिए मिस्टर शिवा। शिवा रुकिए। सर रुकिए सर, कहाँ जा रहे हैं सर रुकिए। रेडी, अपर्णा और लकी गायब है, मुझे उन्हें ढूंढना होगा। सर सुनिए, सर रुकिए तो, सर मेरी बात सुनिए सर। हेलो, हाँ रेडी। सर शिवा सर को होश आ गया है सर, वो हॉस्पिटल से बाहर जा रहे हैं सर। हे, ये क्या कह रहा, जाके पकड़ो उनको। सर, हाँ सर, गनी भी यहीं पर है सर। व्हाट? गनी हॉस्पिटल में है? पकड़ो उसे, पहले पकड़ो उसे। सर, अगर वो शिवा सर का पीछा कर रहा है तो अपनी मौत को दावत दे रहा है। अगर हम गनी को जिंदा पकड़ पाए तभी मैडम और लकी को ढूंढ पाएंगे। ओके, मूव। चलो निकालो, जल्दी निकालो। सर, शिवा सर एक्सीडेंट स्पॉट की तरफ जा रहे हैं। एक्सीडेंट स्पॉट पर जा रहे हैं? तू फिर आ गया? तू अब तक जिंदा कैसे है? तुझे मारे बिना मैं नहीं मरूंगा, समझा ना? अगर ये बात है तो आके मारना मुझे। सर, वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं सर। शिट शिट शिट। मैं बस 5 किलोमीटर के रेडियस में हूँ, मैं आ रहा हूँ, वहां पर आ रहा हूँ। ओके जल्दी जल्दी चलाओ। ये देखिए सर, ये देखिए। आपने इसे क्यों मारा सर? अपर्णा मैडम और लकी इसके पास है। पिछले 8 दिन से इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो आपने उस एविडेंस को भी मार डाला सर। विक्टर सर, कमिश्नर शिवा के मैटर को लेकर बहुत सीरियस हैं। प्रोसीजर के मुताबिक एफआईआर रजिस्टर करके कल कोर्ट में इन्हें सरेंडर करवाओ। कोर्ट में? योर ऑनर, एक केस के एक्यूज्ड लोगों को मारने के लिए क्या लॉ ने इन्हें कोई स्पेशल राइट दिया है? ऐसे पुलिस वाले जिन्हें लॉ एंड ऑर्डर को मानना चाहिए वो लोग खुद ही गुंडा बन जाएंगे, तो फिर सोसाइटी को क्या मैसेज जाएगा? जब क्रिमिनल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो पुलिस का बैलेंस खो जाना कोई गलत नहीं है। जब शिव कुमार उनकी फैमिली के साथ वारंगल जा रहे थे तो उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। इनका ट्रीटमेंट कर रही डॉक्टर सुनीता आपको इनके कंडीशन के बारे में एक्सप्लेन करेंगी, अगर आपकी परमिशन हो। परमिशन ग्रांटेड। गुड मॉर्निंग सर। एक्सीडेंट के बाद ब्लड क्लॉट बनने की वजह से ये डिमेंशिया में चले गए थे और इन्हें पूरे 8 दिन के बाद होश आया है। पूरे 2 हफ्तों तक इनकी ट्रीटमेंट नहीं हो पाई, इसलिए इनके ठीक होने के चांसेस कम हैं। अगर ऐसे में इन्हें पुलिस कस्टडी, जेल और मेंटल प्रेशर दिया जाएगा तो फिर से इनका डिमेंशिया में जाने का खतरा और भी बढ़ सकता है, और अगर इनके साथ ऐसा होता है तो इसकी जिम्मेदार पूरी तरह से हम होंगे। सो I request the court to sanction 2 more weeks of time for the treatment purpose. According to Supreme Court guidelines, Section 167 of CRPC, यदि कोई व्यक्ति बुढ़ापे की समस्याओं से पीड़ित है या कोई और बीमारी से पीड़ित है और अगर अदालत उन्हें रिमांड में रखना चाहती है तो उन्हें उन लोगों को हाउस अरेस्ट में रखना चाहिए, ये विधान है। इस फैसले और मेरे क्लाइंट की कंडीशन को ध्यान में रखकर मैं कोर्ट से गुजारिश करता हूँ कि वो इन्हें हाउस अरेस्ट में रखें और डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में ट्रीटमेंट देने दें। शिव कुमार को 14 दिन की हाउस अरेस्ट में रखने के साथ साथ उनकी ट्रीटमेंट लेने के बाद, डॉक्टर से परमिशन लेने के बाद लोकल पुलिस को उन्हें कोर्ट में पेश करने का आदेश सुनाती है। इस दरमियान या शिव कुमार इस आदेश को पूरा नहीं करते हैं तो अदालत उनके खिलाफ सीरियस एक्शन लेगी। थैंक यू डॉक्टर, आप मुझे जानते नहीं है फिर भी एक लॉयर अपॉइंट किया और मुझे जेल जाने से बचाया। दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं आपको कैसे नहीं जानूंगी सर। गुरुकुल हॉस्टल अब्यूज केस में आपने सिर्फ दिव्या को ही नहीं बल्कि वहाँ रहने वाली 300 लड़कियों को बचाया था। आपने ये साबित कर दिया कि अगर किसी लड़की को कोई परेशानी हो तो वो हिम्मत रखकर पुलिस स्टेशन जा सकती है। आपने भरोसा दिलाया कि एक पुलिस वाला एक लड़की की उसके भाई से भी ज्यादा हिफाजत कर सकता है। इस वक्त सच्चाई को बचाने के लिए आप जैसों का रहना बहुत जरूरी है। एनीवेज, शी श्रुति माय जूनियर डॉक्टर 2 हफ्तों के लिए आपके मेडिकेशन का ख्याल यही रखेगी, बट प्लीज किसी तरह का कोई स्ट्रेस मत लीजिए। ओके डॉक्टर। आई एम रियली सॉरी सर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कभी होगा। तुमने सिर्फ अपनी ड्यूटी की है विक्टर। मेरी ड्यूटी का क्या फायदा हुआ सर, हम सस्पेक्ट को नहीं बचा पाए। आपने गनी को फालतू में मार दिया सर। अगर वो जिंदा होता तो अपर्णा मैडम और लकी अब तक घर पे आ गई होती। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि अपर्णा और लकी को कोई ले गया है विक्टर? अगर एक्सीडेंट के दिन उसने मेरा पीछा किया होता तो एक्सीडेंट के बाद मुझे जिंदा देखकर वो मुझे वहीं मार देता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यानी वो वहां नहीं था। इतना छोटा लॉजिक तुम कैसे मिस कर गए विक्टर? बाकी मिसिंग केसेस की तरह यह केस भी रैंडमली हुआ है। तुम मेरी मदद करोगे विक्टर? श्योर सर, बोलिए ना। तुम हमारे स्टेशन में जितने मिसिंग केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, उसके अलावा शहर में जितने मिसिंग केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं उसके डिटेल्स ला सकते हो। अगर हम उन्हें स्टडी करें तो शायद कोई क्लू मिल जाए। ओके सर, मैं भेज दूंगा। ओके। मेरी सासू माँ 2 दिन से लापता है सर। कल रात को वो भाग्यनगर में शिव मंदिर गई थी सर, पर वो तब से वापस नहीं आई है सर। मैं तब से सोच कर परेशान हूँ कि वो कहाँ जा सकती है। प्लीज उन्हें ढूंढिए सर। मेरा बेटा 2 हफ्तों से लापता है सर। वो मोइना बाद राइस मिल में काम करता है सर। मेरी बेटी को बचा लीजिए सर, मेरी बेटी को बचा लीजिए, कुछ कीजिए सर। चारमीनार पुलिस स्टेशन में एक और मिसिंग केस रजिस्टर हुआ है। ये मिसिंग केस पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्लूज ना होने की वजह से इन्वेस्टिगेशन बहुत धीरे चल रही है। मेरी माँ लापता है सर, मेरा भाई लापता है सर, इसे बचा लीजिए सर। आप लोग कर क्या रहे हैं? हमने बड़ी मेहनत से इनके हाउस अरेस्ट का ऑर्डर लिया है ताकि पेशेंट घर पर आराम कर सके। अगर आप इन्हें और स्ट्रेस देंगे तो इनके ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस हैं। सॉरी मैडम, मैं ख्याल रखूंगा कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड योर हेल्थ कंडीशन। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सिर्फ आप अकेले ही पुलिस वाले नहीं हैं, बल्कि वहां पूरा पुलिस डिपार्टमेंट है। मैं जानती हूं आप अपनी बेटी और बीवी की वजह से दुखी हैं, बट अगर आप इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो उनके मिलने तक आप ऐसे स्टेज पर पहुंच जाएंगे कि जब वो आपके सामने आएंगे तो आप उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। सो प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए। ओके डॉक्टर। श्रुति मैडम, प्लीज कम विद मी। ओके मैडम। नया मेडिकेशन स्टार्ट करना है। ये सब क्या है सर? आपके साथ ये सब होने वाला था तो मुझे आपको हार्ड डिस्क देना ही नहीं चाहिए था। एटलीस्ट आप डॉक्टर्स के प्रिकॉशंस तो फॉलो कीजिए ना प्लीज। सर, ये आप क्या कर रहे हैं सर? विक्टर, मेरी बात सुनो। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उससे 6 महीनों में हमारे शहर से करीब 400 लोग मिसिंग पाए गए हैं। डिपार्टमेंट ने 50% केसेस सॉल्व किए हैं। कुछ लोग रेलवे ट्रैक पर मिले, कुछ लॉज में, कुछ ने शहर के तालाब में कूद कर अपनी जान दे दी थी और करीब 10 लोगों का मर्डर हो गया था। इन सब को मिला के सिर्फ 40 लोग बनते हैं, यानी कि 10%। बाकी 40% लोग अभी भी मिसिंग हैं। मेरी बीवी और बच्चे भी उन्हीं में कहीं हैं। पर ये सब लोग मिसिंग नहीं हैं, इन्हें किडनैप किया है। इन सभी केसेस को स्टडी करते वक्त मुझे कॉमन पॉइंट मिला। ये सारे अनसॉल्व मिसिंग केसेस वहां हुए जहां सीसीटीवी कैमरास नहीं है। अगर हम इन केसेस को रीइन्वेस्टिगेट करेंगे तो हमें कोई क्लू मिल जाएगा। विक्टर सर, कोई क्लू नहीं मिला, इसलिए ये सब कुछ अनसॉल्व्ड है सर। शायद पुराने केसेस में क्लू ना मिले, पर मेरी बीवी और बच्ची को रिसेंटली किडनैप किया है। एक्सीडेंट स्पॉट पर ठीक से ढूंढेंगे तो कोई क्लू जरूर मिल जाएगा। चलो चलते हैं। सर आप जाओगे? आपके ऊपर तो ऑलरेडी 4 मर्डर केसेस हैं। अगर आप बाहर जाओगे तो यह कंटेम्प्ट टू कोर्ट ऑर्डर होगा सर। अगर ऐसा होता है तो आप घर पर बैठकर भी इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाओगे। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता सर, सॉरी। समझने की कोशिश कीजिए। आप रेस्ट कीजिए। सर, ये दवाइयाँ मिस्टर शिवा को दे दीजिएगा। मैं कल आऊंगी। जी मैडम। जी हाँ, सर सर कहाँ चले गए? सर क्या बात है रेड्डी? फोन चार्ज पे लगा रहा था सर। फोन सर, जूनियर डॉक्टर ने आपके मेडिसिन्स दिए हैं सर। थैंक्स। हेलो पुलिस, हमने आपके लिए बर्थडे सरप्राइज रखा है। अगर आपको इस बारे में जानना है तो इन पेपर्स में लिखे क्लूज को सॉल्व करो। वाह पुलिस, आप तो अच्छा कर रहे हो। आप तो सुपर हो। जल्दी से गिफ्ट ओपन करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पुलिस, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे वाह पुलिस, मम्मी यहाँ आओ। हमारे पुलिस के बर्थडे पर हम ये पुलिस की डॉल हमारे पुलिस को गिफ्ट करते हैं। ओके ओके। नहीं, फैमिली के साथ वेकेशन के लिए आया। क्या अभी भी फोन पर बात कर रहे हैं? अगर काम अर्जेंट है तो स्टेशन में विक्टर से मिल लीजिएगा। मिस्टर पुलिस, 1 मिनट, बोलिए। वेकेशन में आकर कोई फोन पर बात करता है क्या? दो। अरे लकी, रुको लकी। करो और ये फिंगर को ऐसे मूव करो, ऐसे नहीं ऐसे। ओह प्लीज, आपको तो कुछ भी नहीं आता है, कभी तो अपना ब्रेन यूज करो। हमारा पुलिस सुपर पुलिस है। थैंक यू लकी। अपर्णा, हमें हैदराबाद जाना होगा। अच्छा बेटा, मम्मी अभी भी मुझसे गुस्सा है क्या? अगली बार ट्रिप तुम प्लान करना, मैं फोन भी नहीं ले जाऊंगा। तुम कहाँ जा रहे हो शिवा? मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे की उन्होंने? रेडी, मुझे जाना होगा, गाड़ी निकालो। सर, आप कहीं नहीं जा सकते। टाइम नहीं है रेडी, जल्दी करो, मुझे एक्सीडेंट स्पॉट पे जाना है। गाड़ी निकालो, मेरी बात सुनिए। अरे सुनने समझने का बात नहीं है रेडी, गाड़ी निकालो, चलो। सुनिए, मैं कह रहा हूं ना, कोर्ट रूल्स ब्रेक क्यों कर रहे हैं सर? तुम क्लूज मांग रहे थे ना विक्टर, ये रहे क्लूज। ये व्हाइट बैंगल पीसेस अपर्णा के, कुछ टुकड़े मेरे घर पर मिले और कुछ एक्सीडेंट स्पॉट पे, और ये रेड बैंगल पीसेस मुझे एक्सीडेंट स्पॉट पे मिले। ये नामुमकिन है कि लकी और अपर्णा के अलावा कोई और औरत भी उस एक्सीडेंट स्पॉट पे किडनैप हुई होगी, इसका कोई चांस नहीं है। वो इसलिए क्योंकि वो रोड पब्लिक के लिए ओपन ही नहीं है। जीडी मेटला पुलिस स्टेशन के 40 साल पुराने मानिकराव मिसिंग केस में और बच्चूपल्ली पुलिस स्टेशन के 32 साल पुराने अन्नपूर्णा केस में भी ऐसे ही रेड बैंगल्स मिले थे। उन्हें बस एविडेंस की लिस्ट में जमा कर दिया गया, ना किसी ने इंक्वायरी की, ना किसी ने ध्यान दिया। अगर ये रेड बैंगल पीसेस वहां मिले हैं तो हो सकता है इस किडनैपिंग के पीछे कुछ औरतों का हाथ है। अगर हम ये दांत फोरेंसिक लैब में टेस्टिंग के लिए भेजते हैं तो शायद कोई जरूरी जानकारी मिल जाएगी। विक्टर, हमने बस मिसिंग लोगों का नंबर बोर्ड पे लिख दिया है, पर इस बारे में नहीं सोच रहे कि उन्हें ढूंढे कैसे। रूल्स फॉलो करके सिर्फ नंबर लिखें या उन्हें तोड़कर लोगों को बचाएं। बचाते हैं उन्हें सर। कुछ वक्त के लिए ये कोर्ट और रूल्स को साइड में रखते हैं। बताइए कहां जाना है, किससे इंक्वायरी करनी है। ये केस अब किसी भी कीमत पर सॉल्व होकर रहेगा। ये यूनिफॉर्म मैंने बस रूल्स फॉलो करने के लिए नहीं पहना है, बल्कि लोगों को बचाने के लिए पहना है। अनिल सर, इसे फॉरेंसिक लैब में भेज दो। Okay, पता लगाना है ये आदमी है या औरत। श्योर सर, गो। चलिए चलते हैं सर। ए पुलिस, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उठाया क्या? बोल, उठाया क्या? हमने नहीं उठाया। अबे चल बाहर निकल। अल्लाह कसम हमने ये नहीं किया साहब। अगर मुझे पता चला इस किडनैपिंग के पीछे तेरा हाथ है तो अल्लाह की कसम चार मीनार के सामने उड़ा दूंगा मैं तुझे। दीदी आपसे कोई मिलने आया है। कौन आया मामू? तुम इधर काय के वास्ते आया साहब? इनके साथ क्या किया? अबे क्या बात कर रहा है तू? अगर तू यहाँ से नहीं गया तो तेरी हड्डी तोड़ देंगे। सुनो भाई, मैंने बहुत टाइम से गलत काम करना छोड़ दिया है। मेरे सारे आदमी रियल स्टेट में सेटल हो गए साहब। इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे पता है जब फैमिली वाले खो जाते हैं तो कैसा महसूस होता है साहब। गुड, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है शिवा। अगर आप ऐसे ही स्ट्रेस नहीं लेंगे और अच्छे से मेडिकेशन फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। श्योर डॉक्टर। विक्टर, डॉक्टर चले गए। What happened, sir? पिछले 2 हफ्तों से आपकी बेटी स्कूल नहीं आई सर। अपर्णा मैडम को कॉल किया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा है। स्कूल ग्रुप के मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं दे रही हैं। जल्दी ही एग्जाम्स होंगे सर। एग्जाम्स कब है मैम? 10 दिनों में। सर आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपसे बात कर रही हूँ। सर लकी आएगी, वो एग्जाम देगी या नहीं? मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मुझे नहीं पता वो कैसी है। कैसे बताऊं मैं इन लोगों को कि वो कब आएगी? लकी एग्जाम देने आएगी। सर 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 मुझे बच्चे के लिए कुछ किताबें खरीदनी है। मैं 2 मिनट में आता हूं सर। चलो चलो जल्दी चलो, लेट हो रहा है। ए, आज 2 ही लोग मिले यार। कुछ और लोगों पे ट्राई करते हैं, हो सकता है कोई और मिल जाए। उसकी उम्र 40 साल के आसपास की होगी। वो चेन स्मोकर है, इसलिए उसके दांतों पर निकोटीन का कोट लगा हुआ है। ये आदमी नकली किन्नर है। जो दांत हमें मिला था वो एक्चुअली इसी आदमी का है। पान की टपरी पे मुझे देखकर भागने लगा था, पर हाथ आने से पहले मारा गया। ये सब असली किन्नर है। सर्वाइव करने के लिए ऑटोज में घूमकर दुकानों और सिग्नल्स पर लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, गरीबी में जिंदगी बिताते हैं। और ये सब नकली किन्नर है। असली किन्नरों की तरह कपड़े पहनते हैं, पर लोगों से भीख नहीं मांगते। इनके पास गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, अमीरों की जिंदगी जीते हैं। अगर ये बिना भीख मांगे इतनी अय्याशी की जिंदगी बिता रहे हैं, तो इन किडनैपिंग्स के पीछे जरूर इन्हीं लोगों का हाथ है। मेरे पास 3 सबूत हैं जिससे मुझे लगता है कि ये इन्हीं का किया करा है। नंबर 1, एक्सीडेंट स्पॉट पर मिले रेड बैंगल्स। नंबर 2, उसी एक्सीडेंट स्पॉट पर मिला इस आदमी का दांत। और नंबर 3, मुझे देखकर उसके चेहरे पर आया डर। हो ना हो, अपर्णा और लकी को इसी ने किडनैप किया था। ए, चल। LGBT और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के मुताबिक हमारे शहर में कुल 40,000 थर्ड जेंडर लोग रहते हैं, पर सरकार के सेंसस के मुताबिक हमारे शहर में सिर्फ 10,000 थर्ड जेंडर लोग रहते हैं। इसका मतलब बाकी के 30,000 नकली लोग हैं। सर, तो फिर हम उन डुप्लीकेट किन्नरों को कैसे पकड़ेंगे? जाल बिछाते हैं। जाल बिछाते हैं? कौन बिछाएगा? मैं सर। मैं बनूंगा सर। तू क्यों बनेगा? तू तो एक बच्चा है। तुझे कुछ हो गया तो तेरे परिवार का क्या होगा? मैं जेल जाने वाला था उस गुनाह के लिए जो मैंने किया ही नहीं था, पर आपने मेरी हेल्प की और मेरे लिए चाय का ठेला खुलवाया। मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूं ना सर। अगर मुझे कुछ हुआ तो आप है ना मुझे बचाने के लिए सर। विक्टर सर, तुम्हारी टीम से देवी और मेरी टीम से इस लड़के को रेकी के लिए रेडी करो। ओके। गुनाह ने अंधेरे में अपनी आंख खोली तो हम उसे बंद कर देंगे। ऑटो आ रही है। उठाओ इसे। अरे अंदर डाल इसे। गो बॉयज, लेट्स गो 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 गो। पुलिस हमारा पीछा कर रही है भाई। ए, ऑटो रोक, अरे रोक ना ऑटो। तेरी तो कोई भी आगे बताना नहीं तो सगला कर दूंगा। कोई भी आगे बताना नहीं तो मार दूंगा। ऐसे वापस जाओ, जाओ वापस, नहीं तो सगला कर दूंगा। गन नीचे रखो, नीचे रखो, नीचे रखो। वापस जाओ। अरे भागो भागो, जल्दी चलो। चला रे चला, जल्दी अरे जल्दी भागो। मूर्ति जी देवी को हॉस्पिटल ले जाइए। भागो 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 भागो, चलो चलो। अरे जल्दी उस तरफ जा। अरे चल भाग जल्दी, अरे निकलो, अरे जल्दी चल चल। अरे देख, अरे भाग जल्दी, चल 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 इस तरफ चल। आज तो बैग आपसे। डॉक्टर सर, पकड़ लिया मैंने उनको। सिटी में जितने भी किडनैपिंग हुई हैं, उन सब के पीछे हमारा ही हाथ है सर। गैंग में कितने लोग हैं? हमारी टीम में टोटल 10 लोग हैं सर। किसके लिए काम करते हो, क्यों करते हो ये सब? हमें कुछ नहीं पता सर, हमारी एक टीम सुपीरियर है सर, हमने अभी तक उन्हें कभी नहीं देखा है सर। हमारी टीम लीडर को मैसेज मिलते हैं कि हमें कितने लोगों को किडनैप करना है, और हमारी टीम लीडर को मैसेज आता है कि किस सिटी में हमें किडनैप करना है। हम उन्हें बेहोश करके बैग में डालते हैं और उनकी बताई जगह पर छोड़ देते हैं। वो बैग कलेक्ट करने के बाद टीम लीडर को मैसेज करते हैं कि उन्होंने पैसा कहाँ रखा है। उसके बाद वो सिम नहीं चलता है सर। क्या तुमने इन्हें किडनैप किया है? नहीं सर, हमने नहीं किया है। तुम्हें पता है ये कौन है? ये हमारी तरह टीम लीडर है सर। पैसों के लिए लोगों को बेचोगे? लोगों को उठाना तुम्हारे लिए छोटा काम होगा, पर जिन लोगों को उठाया है उनकी एक जिंदगी है, और जब तुम किन्नर बन के ऐसे घटिया काम करते हो तो समाज असली किन्नरों पर इल्जाम लगाता है। तुम जानते भी हो किन्नर होते कौन है? अर्धनारीश्वर के रूप होते हैं। तुम उनकी तरह बनकर लोगों को किडनैप करते हो। पहले ही समाज उनसे बुरा बर्ताव करता है। उनमें से कुछ लोग डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर बनकर समाज में इज्जत कमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुम जैसे लोगों की वजह से उन्हें इज्जत नहीं मिलती। बोलो, तुमने आज वो बैग कहाँ रखा? कहाँ रखा है वो बैग? बोल। गच्चीबौली के पुराने शेड में। विक्टर, किसी भी हाल में इन नकली किन्नरों के अरेस्ट की खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन लीक हुई तो इनका नेटवर्क अलर्ट हो जाएगा। सर, हमें नहीं पता कि इस नेटवर्क में कितने लोग हैं और इन सबके पीछे आखिर किसका हाथ है। हमें बस एक ही लिंक मिला है सर, सो बेटर कि हम इस बारे में कमिश्नर को बताकर उनका सपोर्ट ले लें। तो विक्टर, अथॉरिटीज की परमिशन मिलने के लिए बहुत वक्त लग जाएगा। जहां बैग रखना है वो जगह पहले से तय हुई है। अगर बैग नहीं रखा गया तो पूरा ऑपरेशन बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए उस बैग में मैं जाऊंगा। ओके सर। मिस्टर शिवा, आप यहां क्या कर रहे हैं? आखिर ये सब क्या हो रहा है? मैडम प्लीज, हम केस के एंड तक पहुंच चुके हैं, हमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन मिल गई है और सर को किडनैपर्स का नेटवर्क में मिल गया है। प्लीज मैम। पागल हो गए हो? आप सब मिलकर इनकी जान लेना चाहते हैं क्या? मेरे बारे में मत सोचिए मैडम, उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके परिवार का कोई लापता है और वो रोज उन्हें कहीं ढूंढ रहे हैं। आप मेरे पेशेंट हैं, मैं बस आपके बारे में ही सोच सकती हूँ। एक डॉक्टर होने के नाते ये मेरा फर्ज है। मैं भी उसी फर्ज के तहत कह रहा हूँ मैडम। हमारे देश में 1 घंटे में 85 लोग, एक दिन में 2130 लोग और हर महीने करीब 65,000 लोग कहीं लापता हो जाते हैं मैडम। अगर हमारा कोई करीबी मर जाता है तो हम कुछ दिन शोक मनाते हैं, पर कोई लापता हो तो सारी जिंदगी उसे ढूंढते हैं। शिवा, आप पहले से ही प्रॉब्लम में हैं। अगर और ज्यादा प्रॉब्लम में फंसेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। प्रॉब्लम से डरेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे मैडम। उसका हिम्मत से सामना करेंगे तभी उसे सॉल्व करेंगे। डिपार्टमेंट ने आपको परमिशन नहीं दी है। कभी कभी सही काम करने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। खाकी वर्दी पहनते ही समाज की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी होती है। मैं अभी जाकर जज से कंप्लेन करती हूँ। आप जो चाहे कर लीजिए, लेकिन कल कोर्ट में हाजिर होने के वक्त तक जितने भी लापता लोग हैं उन्हें साथ लेकर आऊंगा। जो कोई भी इस घिनौने गुनाह के पीछे है, वो जहां कहीं भी है, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। Mr. Edwin. Yes, sir. Have you seen the BBC and the CNN news? No, sir. What happened? UK और फ्रांस भी आर्टिफिशियल ब्लड का क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट करने वाले हैं, कोविड-19 के वायरस को ट्रीट करने के लिए, और बाद में वैक्सीन बना के उससे पैसे कमाने के लिए। यह काफी नहीं है। अगर वर्ल्ड फार्मा और मेडिसिन इंडस्ट्रीज में मेरी मोनोपोली चलानी है तो मुझे सबसे पहले आर्टिफिशियल ब्लड बनाना पड़ेगा। ट्रायल को पूरा करने के लिए कितना वक्त लगेगा? हम ऑलमोस्ट टारगेट पूरा ही करने वाले हैं सर। आपने जितने लोग हमें दिए थे सबको ब्लड ग्रुप वाइज डिवाइड करके उन सभी के अंदर हमने आर्टिफिशियल ब्लड इंजेक्ट कर दिया है। हमारा आर्टिफिशियल ब्लड ओरिजिनल ब्लड से काफी हद तक मैच कर रहा है। हमने हमारा बेस्ट किया है सर। ऑलमोस्ट 60% रिजल्ट हमारे फेवर में है सर। एक साल में मैं बेटर रिजल्ट की उम्मीद करता हूँ सर। वन मोर ईयर, मैं 3 साल से रिजल्ट्स का इंतजार कर रहा हूं। मेरे पास और टाइम नहीं है। मैंने अभी तक तुम्हें 100 से भी ज्यादा लोग दिए हैं। चाहो तो मैं तुम्हें और भी लोग दे सकता हूं। मुझे 6 महीने में रिजल्ट चाहिए। फ्यूचर जनरेशन में हर इंसान के शरीर के अंदर उनके माँ बाप का खून नहीं, वो खून भरा जाना चाहिए जो भाटिया ने बनाया है। ए, वो भाग रहा है, पकड़ो उसे। एक बार तुम यहाँ आ गए तो यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं। मेरा काम खत्म होने के बाद ही तुम मर सकते हो। ये सब देखने के बाद क्या तुम में से कोई यहां से भागना चाहता है? इसे यहां से ले जाओ और इसके पैरों का इलाज करके नेक्स्ट डोज दे दो। Guys, be alert. वैन आ रही है। ट्रैकर ऑन हो चुका है। ओके सर। वी आर अलर्ट सर। यस सर। ट्रैकर ऑन हुए 20 मिनट हो चुके हैं, तब से कोई भी मूवमेंट नहीं है। इसका मतलब वो अभी भी वहां पर है। वहां पर कुछ तो चल रहा है। रेडी, गो 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 गो। शिवा सर मिसिंग है। मिसिंग है सर? हमें उन्हें कल कोर्ट लेके जाना है सर। शिट शिट। क्या हुआ? सर दोनों का हार्ट बीट 60-65 है, लेकिन बस इस आदमी का सर 85-90 है। इसका मतलब ये आदमी होश में है सर। इन तीनों को ऑब्जर्वेशन रूम में शिफ्ट करो। ठीक है सर। मिस्टर एडविन, यह उन तीन लोगों की रिपोर्ट्स आई हैं, 2 मेल्स एंड 1 फीमेल। 32 साल के आदमी का ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव। लगता है उसका न्यूरो सर्जरी हुआ है। उसके सर में घाव है। हार्ट बीट 85-90 है। क्या करें हम? हमें ऐसे टिपिकल क्लाइंट्स की ही जरूरत है। तीनों को नॉर्मल एनेस्थीसिया दे दो और इसकी एक डोज बढ़ा दो। इसे 1 वीक के लिए ऑब्जर्वेशन में रखो। ये नॉर्मल प्रोसीजर है। मिस्टर वर्मा। यस सर। उसकी एनेस्थीसिया की डोज को डबल कर दो। एडविन, लेवल 1, 2, 3 का पोजीशन क्या है? लेवल 1 और 2 ओके हैं सर, पर लेवल 3 ओ पॉजिटिव ग्रुप के क्लाइंट्स थर्ड डोज से हाईली इफेक्टेड हो रहे हैं। उनकी पूरी स्किन में बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। उनमें से एक क्लाइंट की कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। मुझे लगता है 4th डोज के लिए हमें 1 वीक और डिले करना पड़ेगा। अगर मैंने ये डिले वर्ड दोबारा से सुना तो सोच लो। जल्दी डोज रेडी करो। मिस्टर एडविन। मिस्टर वर्मा, डिस्पोज द बॉडी। कब से लापता है वो? सर मेरी बेटी को बचा लीजिए सर। वो आदर्श विद्यालय में 10वीं में पढ़ती है सर। मेरी माँ कई दिनों से लापता है सर। हमारी मदद कीजिए सर। साहब मुझे बचा लीजिए साहब। मेरी बहन को मेरी माँ को बचा लीजिए सर। चल बॉडी उठा। क्या सोच रहे हो आप? बुड्ढे को फेंकने में दर्द हुआ क्या? कल 5 साल की एक बच्ची को फेंका था मैंने। पापा! वर्षा राइट? हाँ। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें ये चाबी दे रहा हूँ, इससे तुम बाकी पेशेंट्स को बाहर निकाल लेना। वर्षा घबराओ मत, मैं पुलिस वाला हूँ। ओके सर। सबको बाहर निकालो, जल्दी जल्दी जाओ। अगर एक भी पुलिस वाला यहाँ आया, इसका मतलब उन्हें हमें बारे में पता है सर। नो 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 नो, अगर उन्हें पता होता तो कुत्ते यहाँ सूंघते हुए कभी भी आ जाते। अगर नहीं आए हैं तो इसका मतलब ये है कि ये अपनी बीवी और बेटी को ढूंढता हुआ अकेला आया है। ए, पहले इसकी बीवी और बेटी को इंसिनरेटर में फेंक दो, हमें यहाँ से लेकर जाओ, उसके बाद इसे भी फेंक दो। मिस्टर पुलिस उठो ना, प्लीज उठो ना। मुझे हमेशा लगता था कि तुम गलत हो, लेकिन अब मुझे पता चला कि मैं गलत था। मुझे माफ कर दो बेटा। बताइए सब कैसे हुआ? प्लीज बी पेशेंट, की पेशेंस। कोर्ट में प्रूव हुआ है कि सीआई शिव कुमार ने सेल्फ डिफेंस में आके उन चारों को मारा है। बहुत जल्द शिव कुमार अपनी ड्यूटी वापस ज्वाइन करेंगे। ओके, आपने जज के पास मेरी कंप्लेंट की ना? की तो थी, पर जज साहब ने मुझसे कहा है कि मैं खुद इस बार तुम्हारा ख्याल रखूं और हॉस्पिटल से भागने न दूं। शिवा, जब तुम रोज लेट आते थे तो मुझे लगता था फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए ड्यूटी है, लेकिन ये नहीं समझ पाए कि उस वक्त तुम दूसरों की फैमिली को बचा रहे होते हो। ऐसे ही काम करते रहना पुलिस, लगे रहो पुलिस में, मैं तुम्हारे साथ हूँ।